और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपने तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आपको कहीं भी दिक्कत तो देती होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होता है। फायदा होता है बिल्कुल, क्योंकि जो कस्टमर मेरे पास आ रहे वो आते हैं, वो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख के अपग्रेड होके आते हैं। क्या भाई ये लिविंग एंड डेथ की वारंटी नहीं ले रहा है, वजन की गारंटी वारंटी नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा हर चीज को छोड़ दे रहा है। जो मेरे क्लाइंट्स है, मेरे कस्टमर है, वो एग्री करेंगे, अगर आपकी वीडियो देखेंगे तो वो खुद कमेंट भी करेंगे क्या भाई मेरा फीडबैक। लिविंग एंड डेथ अल्लाह के हाथ में, वजन बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। अगर वजन बढ़ाना मेरे हाथ में रहता तो मैं एक खाली गोली लेके आता और उसमें 100 किलो भर दूं। ये भी दिख रहा है 100 प्लस ना, हो सकता है मैं वजन में झूठ बोलता रहूं, ऐसा नहीं लगे। यहाँ पर भी जैसे कि पलाई के जो पेमेंट रहता है सही टाइम से आ जाते पलाई? देखो 10-20% इसके अंदर ऐसा है कि आपका पेमेंट अटका हुआ रहेगा पलाई के अंदर। मैक्सिमम मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो एडवांस में ही पलाई दे देते हैं साल भर, तो हम लोगों की रोलिंग अच्छी चलती है। कुछ क्लाइंट्स हैं क्या वो 2-3 महीने के बाद में लेते, कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनकी आ रही नहीं है 5-6 महीने से, तो वो क्लाइंट्स हमारे नजर में ब्लैक लिस्ट है, अगले साल से उनके बकरे नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अलमी, में आपका जो है स्वागत है। अब पटगा में है और जिसको आप देख रहे हो नो नीड टू इंट्रोडक्शन, अब सब जानते ही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत फैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले फैसल भाई थैंक यू सो मच कि हम कब से यहाँ पर आए हैं, आप हमें टाइम भी दे रहे हैं माशाल्लाह और सारी बातें भी हो रही है। मैन विद द गोल्डन हार्ट, अब बगरा इंडस्ट्रीज के अंदर में जो अगर हम किसी को बोलेंगे मैन विद द गोल्डन हार्ट, तो हम फैसल भाई को बोलेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ जो है अलमीम से, सूरत से, यूसुफ भाई भी है साथ में। फैसल भाई हम थोड़ा पलाई के लिए कुछ बातें करेंगे, फिर थोड़ा फार्म का टूर कराएंगे इंशाल्लाह, है ना। फैसल भाई जैसे कि आपका काम है और अलमीम दोनों का काम जो है पलाई पर है, फैसल भाई थोड़ा हम लोगों को बताएंगे कि सिर्फ ओनली पलाई का काम है हमारा? मेरा सिर्फ पलाई का काम है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं, ओनली पलाई। पलाई है, ब्रीडिंग भी नहीं है, ओनली पलाई है। 4 बकरियां है खाली फिलहाल, तो पहले बहुत थी, मैं रिटर्न कर दिया क्योंकि मैं वो चीज में सक्सेस नहीं हूं। ओके, नहीं है, बच्चे बचते नहीं है, सही है, तो इसीलिए मैं दूसरे का नुकसान क्यों कर रहा हूँ। तो 4 बकरी है मेरे दोस्तों की है, इंशाल्लाह अपग्रेड होंगे, उसके बाद में फिर ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर कोई जोर डालेंगे इंशाल्लाह। ओके, और फिर जैसे कि पलाई के अंदर में समझ लो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई ट्रेडर जो पलाई पे बकरे छोड़ते हैं? ट्रेडर्स के भी बकरे नहीं रखता, ट्रेडर्स बकरे भी नहीं रखते, ओनली कुर्बानी वाले। कुर्बानी वाले ओनली। देखो बीच में है ना, कुछ है मेरे कस्टमर 1-2 है जी जो बकरे ना साल भर रखते हैं और हेडेक अपने सर के ऊपर ही लेते हैं कि भाई वो बकरा मेरा, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं कि मैं बेच दूंगा, आप टेंशन मत लो, या फिर इन द एंड देवनार में लेके जाके बेच देते। ओके, मेन क्या होता है, देखो ट्रेडर्स के बकरे रखना, क्योंकि मैं एक खुद शौकीन हो चुका हूँ, मैंने पलाई पे बकरे भी रखा हूँ, नुकसान ज्यादा है और नुकसान में मैं शरीक नहीं होना चाहता हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 1-2 कस्टमर है जिनके बकरे है, उनको पहले ही बोला हूँ कि भाई देखो बेचना मेरे बस की बात नहीं है, अगर बेचना मेरे बस की बात होती तो आज मैं बहुत ज्यादा कमा के बैठा होता, नुकसान करके नहीं बैठा होता। दूसरी बात, आप बॉम्बे साइड में, मुंबई साइड में आप अगर या कोई भी जगह पे आप पलाई पे बकरे रखते हो और आप 35,000-40,000 रुपए का बकरा लेके आते हो, साल भर की पलाई उसकी 3,500 रुपए से कैलकुलेट करो, बकरा ऑलमोस्ट 90,000 के करीब में पहुंच जाता है या 85,000 के करीब में, बकरा तैयार भी अच्छा हो जाता है, 110 kg 115 kg जो भी है, और उसके बाद में बेचने की बारी आती है तो सेल नहीं हो पाता है वो रेट में। जंगल से लोग जाके ना 1.5-2 लाख रुपए के बकरे खरीद लेते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर 90,000 रुपया देना, वो बंदा तो भाई वो छोड़ने के लिए भी तैयार है शौक के चक्कर में, क्या भाई ठीक है मैंने शौक कर लिया जाने। तो मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि मेरे जितने भी कस्टमर है, क्या भाई ट्रेडिंग करके तुम नुकसान कर रहे हो साल भर का 2 लाख रुपया, उससे अच्छा भाई वो 2 लाख रुपए की कुर्बानी करो वो नुकसान से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा उसको इंशाल्लाह, सही है। फैसल भाई पलाई रेट जो है हमारा कितना है? अंडू के 3,500 है ये साल तक, बकरी ईद के बाद में 4,000 हो जाएगी, खस्सी की अभी 3,000 है फिलहाल, बकरी ईद के बाद में 3,500 हो जाएगी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ओपन में कोई भी बकरा रहेगा वो 3,500 ये साल 3,000 है।
ओके केज में रहेगा, लेकिन ये साल जगह है ही नहीं, फुल हो गई, फुल हो गई, जगह ही नहीं है, तो इसलिए मैं अगले साल की बात कर 25 के लिए ले रहे हैं फसल, 25 के लिए ले रहे हैं बकरे, फिलहाल जगह नहीं, फिलहाल जगह नहीं, मेरे पास ऑलमोस्ट अगले साल के लिए 150 बकरे के करीब में हो चुके हैं। और अभी इस साल कितने बकरे होंगे भलाई पर आपके पास? अप्रोक्स 400 प्लस है, 400 प्लस है, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। फैजल भाई, जैसे कि आपसे लोग काफी काफी कुछ सीखते हैं, उस रिलेटेड हम बताना चाहेंगे कि पलाई का जो भी करना चाहते हैं नए लोग, तो पलाई में मेन चीज क्या रखे ध्यान में? पहली बात तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको मेडिकल का एम भी नहीं आता है और तो भी आप पलाई कर रहे हो किसी के आसरे पे या भरोसे पे, तो ये काम भरोसे पे नहीं होता, नहीं होता ना। खुद प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, खुद अवेलेबल होना चाहिए, डॉक्टर रखो, डॉक्टर के साथ में मिलके सीखो, डॉक्टर को छोड़ो मत कभी भी। अच्छा, मेरे पास आज भी डॉक्टर है और आज भी हम लोग उनसे सीखते हैं। मेरे पास अलग से हर काम के लिए ना डिवाइड कर दो, मतलब स्टाफ को ये काम तू करेगा, वो काम तू करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी जरूर। देरी सही, लेकिन अच्छी कामयाबी मिलेगी और सुकून वाला काम मिलेगा। असल में आप जो बिलीव करते हैं क्वांटिटी में या क्वालिटी में? क्वालिटी कम रखेंगे लेकिन काम ही बकरे रखेंगे, क्वालिटी के ऊपर काम, क्वालिटी हम क्वालिटी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। फैजल भाई, हमने काफी सारे मैंने वीडियोस देखी हुई ऑलरेडी आपके बिफोर जी, बहुत सारे चैनल्स पर, आपके चैनल्स पर, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप में, तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आपको कहीं पे दिक्कत तो देती होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होता है, फायदा होता है बिल्कुल, क्योंकि जो कस्टमर मेरे पास आ रहे वो आते हैं, वो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख के अपग्रेड होके आते हैं, क्या भाई ये लिविंग एंड डेथ की वारंटी नहीं ले रहा है, वजन की गारंटी वारंटी नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा हर चीज को छोड़ दे रहा है। जो मेरे क्लाइंट्स है, मेरे कस्टमर है, वो एग्री करेंगे, अगर आपकी वीडियो देखेंगे तो वो खुद कमेंट भी करेंगे क्या भाई मेरा फीडबैक कैसा है। अगर बकरे को थोड़ी सी भी बुखार आई या नाक में सर्दी आई तो वीडियो चली जाती है कि आपके बकरे को सर्दी है, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हर महीने की 1 से लेके 10 तारीख के बीच में वजन की वीडियो जाती है, मैं वारंटी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, उसके बावजूद मैं हर महीना वीडियो दे रहा हूँ, वजन हर चीज की मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसकी वीडियो दे रहा हूँ। देखो, लिविंग एंड डेथ अल्लाह के हाथ में, वजन बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। अगर वजन बढ़ाना मेरे हाथ में रहता तो मैं ये खाली गोनी लेके आता और उसमें 100 किलो भर देता तो वजन हो जाता, बिल्कुल नहीं, वो खाली गोली नहीं है, लाइफ स्टॉक है, मेड बाय अल्लाह है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप कोई कपड़े की बात करते तो हम वारंटी गारंटी ले सकते हैं, अगर कोई खाली गोली भरने का रहेगा तो हाँ मैं भर के दे दूंगा, वो बात हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जैसी हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ क्या है, कोई गारंटी ले सकता है क्या कल तक मैं हयात हूँ? बिल्कुल कोई ले सकता है क्या मैं कल तक भी? अभी कल मैं कितना फिट एंड फाइन था, आज मेरा गला पकड़ा हूँ, कल आप आए थे, भाई आए थे, तो कल कैसा था और आज मैं एकदम गला पकड़ा हुआ, बिल्कुल सही बात। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी सडन डेथ होते हुए भी हम लोगों ने बकरे, तो यीशु भाई एग्री करेंगे कितने बकरे हम लोगों ने सडन डेथ होते हुए देखे हुए, बहुत टाइम देखे, फिर बहुत टाइम देखे, यीशु भाई जी आपके साथ कन्वर्सेशन में भी रहते पूरा साल, खड़े खड़े बकरा देख रहे हम लोग, खिला रहे उसको, खाने के बाद वो बकरा फौरन कोलैप्स हो जाता है, वही सडनली कोलैप्स हो जाता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना। अगर बकरा एक बीमारी सिम्टम शो कर रहा है तो एक बंदा ट्रीटमेंट कर रहा है। मैं ये लाइन में है ना, थोड़ा फार्म वाले लोगों को भी अपग्रेड करना चाहूंगा। गलतियां हमारे फार्म वाले लोगों की क्या है मान, वेरी फर्स्ट डे हम लोग कस्टमर को अपडेट नहीं देते जो बीमार होता है। अगर आप लोग ये स्टेप पे चलोगे ना कि वेरी फर्स्ट डे आप कस्टमर को अपडेट दोगे क्या ये बीमार है और उसके बाद में, तो मॉर्टेलिटी आपके गले में आएगी नहीं। सही है, आप लास्ट मोमेंट पे अपडेट दे रहे हो कि बकरा एकदम सीरियस हो गया, तो कस्टमर ब्लेम करेगा। बिल्कुल, मैं वो वेरी फर्स्ट डे, अगर 15 दिन ट्रीटमेंट हो रहा है तो 15 दिन अपडेट होती है, उसके बाद में रिकवर होता है तो हम लोग बताते हैं कि आपका बकरा रिकवर हो। मैक्सिमम जो बीमार होते हैं तो उसकी अपडेट जाती है, महीने से लेके 1 से लेके 10 तारीख के बीच में मैक्सिमम वीडियोस चले जाती है। अगर कभी मैं डिले होता हूँ तो मैं मेरे स्टेटस पे वीडियो बना के डालता हूँ, मेरे कस्टमर्स देख लेते हैं और सब एग्री भी करते हैं, सब कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि वो अपग्रेड होके आए हुए, वो सब मेरी ट्रांसपेरेंसी की वीडियो देख देख के वो अपग्रेड होते हुए आए, और बहुत सारे लोग बोलते भी है क्या भाई वो वारंटी नहीं लेता, गारंटी नहीं लेता, उसके पास बकरा रखना क्यों? तो मेरे जो क्लाइंट्स है वो उनको कन्विंस करते हैं, मैं वो लेता नहीं है गारंटी वारंटी, लेकिन वो मेहनत करता है, तो शर्त है कि हर चीज में मेहनत करो, इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बकरा बनाना अल्लाह के हाथ में, बकरा जिंदा रखना अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम लोग क्यों उसमें दावा करें? अगर मैं
एक बकरा आप लाके देते हो, मैं बोलूंगा भाई इतना 80 केजी हो जाएगा, 90 केजी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं भी है ना कोई वो बात में ना गुरूर वाली बात हो जाए। सही है। तो मैं वो नहीं बोलता कि ये इतना हो जाएगा, मैं बोलता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला बनाएगा। इतना होगा तो रोकेंगे भी नहीं हम, नहीं रुकेंगे भाई। अगर बकरा वजन नहीं बढ़ा रहा है तो मैं कस्टमर को खुद मेरा अपडेट जाता है, सॉरी ये महीना वजन नहीं बढ़ा, लेकिन मेरी एक लीज बनती है और उसके अंदर ये बकरे को सप्लीमेंट चालू करना वो जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है, वो आपका ध्यान होना जरूरी है। आपका कैट, आप कैटेकर हो तो आप कैटेकर बन के रहो, इंशाल्लाह कस्टमर मिलेंगे भाई। ऐसा नहीं है, और ये शौक में ना लोग आ रहे पलाई पे बकरे रख रहे, मेरी मैक्सिमम है ना नहीं के बराबर 2% मार्केटिंग है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म टूर करोगे तो पूरा फार्म फूल है, एक भी केज आप खाली नहीं देखोगे, एक भी बाड़ा आप खाली नहीं देखोगे इंशाल्लाह। तो हम जो है पूरा फार्म टूर कर रहे हैं इंशाल्लाह। बात कहना चाहूंगा कि ये अपनी रोजी रोटी है, ठीक है। इसके अंदर ना तो हम लोग बकरे को ऐसा नहीं है कि भूखा मरेंगे, क्योंकि अगले साल अपने को भी कस्टमर चाहिए। अगर ये साल बना के नहीं देते हैं तो फार्म वालों की पूरी कोशिश यही रहती है कि भाई मैक्सिमम अपनी मेहनत जो हो वो करके जाए और उसके अंदर बकरे बना कर दे ताकि कस्टमर खुश हो। वो चार कस्टमर को देखो, यूसुफ भाई मैं रोकूंगा यहाँ पर, कोई भी फार्म वाला नहीं चाहेगा कि उसके फार्म पे मॉर्टेलिटी। बिल्कुल सही बात, सही है। कौन कोई गला दबा के नहीं, कोई गला दबा के नहीं, हर बंदा एक मेहनत करता है। लेकिन क्या है, हमारी जो चूक हो रही है, मैंने इसके पहले ही बताया, अपडेट नहीं देना पहला दिन। वेरी फर्स्ट जैसे सर्दी भी हुई ना आपके बकरे को, सर्दी हुई टेम्परेचर लगाओ, आपका बकरा खा रहा नहीं, अब अपडेट दो तो आपके ऊपर सवाल आएगा ही नहीं। सही है। अब सवाल बना देने के लिए, मतलब कस्टमर को सवाल करने के लिए ना आप बहुत बड़ा गैप छोड़ दो। जिस दिन वो गैप छोड़ दोगे ना उस दिन कस्टमर भी अपग्रेड होएगा आपका, और वो समझदार है भाई, वो लोग भी क्लाइंट भी समझदार है। सही है। आज भाई कैसा लगा आरके गोल्ड फार्म का पूरा? आरके गोल्ड फार्म पहले से ही हम लोग आरके गोल्ड फार्म फेवरेट तो है, आज की बात है नहीं। काफी पुराने तालुकात है, मुलाकात पहली बार हो रही है इनसे, लेकिन तालुकात तो बहुत पुराने है, जब से ये फार्म था मुमरा में फार्म था उससे, उस वक्त की उस वक्त के कॉन्टेक्ट है इनके पास, काफी बार बकरे लिए। और फैसल भाई जो है हर बार रेडी टू गो रहते हैं, इनको एक मैसेज करो, वीडियो डालो बकरे की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर है, ठीक है, परेशान ना करे इनको कोई, लेकिन क्या है कि जहाँ सुई अटकती है अपनी, फैसल भाई को एक मैसेज करते हैं कि भाई ये हो रहा है बकरे को, तो वो रेडी टू गो। जब भी मैसेज देखेगा वो लोग उनको बार बार कॉल भी ना करे, मैसेज भी ना करे, कि जब भी मैसेज देखेंगे तभी रिप्लाई देंगे कि भाई ये ट्रीटमेंट तुम्हारे बकरे की बनती है, मुझे ये समझ में आ रहा है, वो सामने तो है नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी ये ट्रीटमेंट दे दो, कुछ भी पूछ लो इनसे। बिल्कुल। वो हर बार ऐसा नहीं है कि ये छुपाएंगे कि यार ये तो दूसरा फार्म वाला है या कोई और है, मैं इसको ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, रेडी टू गो रहते हैं, हर बार हेल्प ज्यादा करते तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं 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 ये सही, मेरे को बताओ इस बार तुमने कितना ट्रीटमेंट किया और बकरे बचे, मैंने ट्रीटमेंट बताया, मैंने कितनी बार, जब भी मेरा मेरी समझ खत्म हुई है तब मैंने फैसल भाई को मैसेज या फोन किया है कि फैसल भाई ये बकरा यहाँ पर अटका हुआ है हमारे से, ये इससे आगे नहीं हो रहा, तो क्या है कि एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है या कोई ऐसा ऐसी ट्रीटमेंट मिल जाती है, ऐसा इंजेक्शन मिल जाता है कि उसके अंदर बकरे चल पड़ते हैं। तो काफी बार साल में कम से कम, नहीं तो भी तो मैं 6-10 बार इनको मैसेज करता ही हूँ, बात होती है, पर होती है बात उनसे, और SLK से जुड़े हुए भी है सारे बेल्ट सारी चीजें उनके, एक्सेसरीज आती है ना वो हिसाब से भी, एक्सेसरीज के हिसाब से भी जुड़े हुए, तो उनसे बातें होती रहती है और रेडी टू गो आदमी है। ओके अच्छा चलिए फिर हम थोड़ा अंदर विजिट कराएंगे, लोगों को बकरों का शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सला रूम है आप देख सकते हैं, जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो तुरंत है क्वारंटाइन रूम्स है, यानी अगर बकरा जो आपका बीमार आता है सबसे पहले क्वारंटाइन में जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा अंदर चलेंगे, क्वारंटाइन रूम जरूरी में, देखो क्वारंटाइन रूम जरूरी है, क्वारंटाइन रूम में अभी भी है 3-4 बकरे है जो रिसेंटली आए हुए और बीमार है, तो क्वारंटाइन रूम में अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर विजिट करना, तो पहले आप रूम वहाँ पर विजिट करके फिर लास्ट में क्वारंटाइन रूम भी बताएंगे, क्योंकि वो लोगों को पता होना चाहिए क्या रोजमर्रा की जिंदगी में गोट फील्ड में बकरे बीमार भी होते हैं, हर बकरा है ना फिट एंड फाइन नहीं रहता। बिल्कुल। मतलब अभी तो ये सपोर्टिव क्लाइमेट है हम लोगों के लिए, ये 3 महीना हम लोगों के लिए फार्म वाले लोगों का, बाकी के 9 महीने ना डॉक्टर लोगों के रहते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, हम जो है थोड़ा अंदर चलेंगे, आओ ना। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, तो सर कितनी कैपेसिटी रहती है अपने बकरों की, कंपनी कर सकते हैं हम?
देखो 400 450 बकरों की कैपेसिटी अपने फार्म पे, और उससे ज्यादा कौन लेते नहीं है। देखो ये जगह पूरी ओपन है, मैं चाहे तो यहाँ पर भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या है भाई, मैं अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ तो मेरे कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, जो घर पे बकरे नहीं पाल पा रहे और नहीं है जगह, वो लेके आ रहे हैं यहाँ पर बकरे, और उनको खेलने के लिए जगह नहीं है बकरे के साथ में, और एकदम कंजेस्टेड है, तो फिर वो जगह पे क्यों रखे। तो मेरा ये है कि भाई मैं मेरी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के ऊपर काम करूं, लोगों लोग आए तो बकरे अपने बांधे, उसके साथ में आधा एक घंटा खेले, अगर मैं चाहूँ तो ये उसको और बढ़ा के कंजेस्टेड कर लूं, काफी तो बड़ा स्पेस खुला पड़ा है फसल में, तो मेरे पास और बकरों की जगह हो जाएगी, लेकिन कस्टमर आके खेले ने तो मेरा दिल नहीं करेगा कि भाई बकरा केज के अंदर ही है, उसका जो ओनर आ रहा है उसको खेलने के लिए जगह नहीं है, तो फिर उसका शौक कैसा बढ़ेगा। सही है, तो अपनी दुकान को ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है कि अपनी दुकान को एक लेवल पे रखे और लोगों का शौक भी बढ़े और अपना काम भी चले। फिर कितने केज होंगे टोटली? केजेस हम लोगों के पास है ना, टोटल ओवरऑल 200-250 केजेस के करीब है। अंदर आ जाओ, ये पूरी कोटा लाइन है, इसके अंदर पूरे कोटा बकरे हैं, पूरी कोटा लाइन है। हाँ। वैसे भी फैसल भाई आप जो कोटा के लिए जाने जाते हैं, मैंने आपको जब जाना था पहला वीडियो तब मैंने बकरा देखा था शहनशाह, फर्स्ट टाइम 2017 के बाद जो शहनशाह था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये बकरे का थोड़ा बहुत लुक ऐसा आता है, वो बकरे के ऐसा शहनशाह के ऐसा, माशाल्लाह। क्या डिटेल्स पर होगा फैसल भाई? ये एक्चुअली देखो, कोई भी बकरा हो जब एक जगह पे एक साल के ऊपर हो जाए ना, तो उसका फर्मा ऐसा ही खुलेगा, है ना, इंशाल्लाह। और माशाल्लाह, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी वेट की, अंदाजा? अगर मैं आपको रियल वेट बता दूंगा मेरे पास, क्योंकि अभी 5 तारीख को मैंने वेट किया, तो भी आप इतने वीडियोस बनाते हैं, तो मेरा ये सवाल है आपका अंदाजा क्या वेट रहेगा, वो थोड़ा एक्यूरेसी। 105 अराउंड? नहीं, बकरा दिख रहा बड़ा है, 95 kg, लेकिन बाहर निकालेंगे तो आप बोलोगे भाई ये भराएगा। सेल्फ फीडिंग पे चेहरा अच्छा है, ये बकरा आया था मेरे पास इतना छोटा सा था, कहीं और पे था, बकरा वजन नहीं बढ़ा रहा था 6 महीने के करीब में, फिर ये आया, इसके ऊपर ट्रीटमेंट किए, वैक्सीनेशन दिए सब किए, और उसके बाद में बकरे का फर्मा और खुलते जा रहा है, और हर महीने का भी 7 से 8 kg का गेन दे रहा है। बनावट होनी चाहिए, बनावट होना चाहिए, 80 kg का दिखाना चाहिए, 110 वही बकरा अंदाजे में फेल नहीं होना चाहिए। कांटे पे अपन बता देंगे, देखो मैं तुम 105 बोले, मैं 110 भी बोल सकता था, लेकिन मेरे को झूठ की दुकान चलाना ही नहीं है, मेरी जब हलाल की कमाई है तो उसके अंदर मैं वो 1 रुपए का झूठ डाल के पूरी कमाई को हरा नहीं। सही है, माशाल्लाह। कितने कोटा होंगे फैसल भाई? हां, कोटा कितने होंगे अपने पास? मैंने काउंटिंग नहीं किया। ओके, विलायती मेंढा है, विलायती मेंढा है, हर बाड़े में आपको ये बीच में मेंढे दिखेंगे, हर बाड़े में रखते। अब आगे चलोगे, वीडियोस बनाओगे, तो ये जो ये लाइन के बाड़े ना, इसके अंदर पूरे ना बीच में मेंढे दिखेंगे। सिस्टम बहुत अच्छी है फैसल भाई, तो इनको पानी वानी के लिए फिर बकेट में ही दिया जाता है। देखो अंडू बकरों को ना कंटिन्यू, मेरी लॉजिक के हिसाब से अगर कंटिन्यू पानी रखते हैं तो वो सही नहीं है, उनको उनके खाने के 1 घंटे के बाद पानी दे दो तो बेहतर है। ये है पहले नंबर में 12 नंबर 1 और 2 हो गया, ये 12 नंबर 3 है और 4 है, इसके अंदर पूरे जमुनापारी बकरे, माशाल्लाह। तो एक बाड़े में कितने बकरे हैं? इसके अंदर ऑलमोस्ट 14 और बीच में 15 बकरे रहते हैं बीच में, टोटल 14 केज में रहते हैं, माशाल्लाह। इसमें सारे जमुनापारी है, ये जमुनापारी है, ये 2 दांत का जमुनापारी है। लास्ट ईयर आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जमुनापारी का, हंसा का, ये पूरा बाहर के ज्यादा है, 7 जमुनापारी उससे भी बढ़ गए, और ज्यादा जमुनापारी आपके पास हंसा वगैरह ज्यादा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई बाहर की तरह गए, आप भी आओ, माशाल्लाह। देखिए आप फिलहाल ये बकरे अभी है ना, कम से कम नहाए हुए नहीं, ठंड का सीजन अभी, कल रात में ऐसा है क्या, कभी ठंडी हो रही है कभी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो निमोनिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग निला रहे नहीं। अभी हम लोगों का अगले महीने से क्या आएगा, क्या रूटीन चलेगा, 12 नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, निलाना, सफाई करना, सब वो हो जाएगा, केज भी धुलेंगे, क्योंकि बकरा आप निला रहे हो और केज साफ नहीं है तो बकरा गंदा ही होगा। बड़ा विलायती है, क्या वजन पे होगा? विलायती है, क्या वजन पे होगा ये? 85 kg।
ये भी दिख रहा है 100+ ना। हो सकता है मैं वजन में झूठ बोलता रहूंगा, नजर नहीं लगी कम बोल के नजर ना लगाने को नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्सिमम जमुनापारी है ना अपने दिलाए हुए ही है कस्टमर को। जमुनापारी में तो फैजल लास्ट ईयर से बिल्कुल, आपका जो वीडियो मैंने बताया ना ये लाइन पूरी बोयर की है, 5 नंबर 12 पूरा बोयर को डेडिकेट है। एक लास्ट में अजमेरा है, इसके अंदर एक्सोटिक है मतलब कश्मीरी है और 2 सालियां है। पूरे बोर है इसमें, ये सिर्फ 5 दांत का बोयर है, इसको साल के 12 महीने सर्दी रहती है, नाक में ऐसे पानी रहेगा इसका, तो उसका कुछ भी ये नहीं कर सकते, हम लोगों ने सब करके देखा, इसकी फिटिंग और जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, वजन रिवील नहीं कर रम कार्ड है अपना, लास्ट में बताएंगे। ये मेंढा भी है 3-4 दांत का मेंढा है माशाल्लाह। अब हम है ऐसे एग्रेसिव है, ये समझदार अपने को नहीं मारते। फैजल भाई थोड़ी थोड़ी बातें पूछूंगा जी, स्पेशली थोड़ा पलाई को लेकर। फैजल भाई यहाँ पर भी जैसे कि पलाई के जो पेमेंट रहता है सही टाइम से आ जाते हैं पलाई? देखो 10-20% इसके अंदर ऐसा है कि आपका पेमेंट अटका हुआ रहेगा पलाई के अंदर मैक्सिमम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो एडवांस में ही पलाई दे देते हैं साल भर, तो हम लोगों की रोलिंग अच्छी चलती है। कुछ क्लाइंट्स हैं क्या वो 2-3 महीने के बाद में देते, कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनकी आ रही नहीं है 5-6 महीने से, तो वो क्लाइंट्स हमारे नजर में ब्लैक लिस्ट है, अगले साल से उनके बकरे नहीं लेंगे। लेकिन जब तक बकरे है तो अपने को श्योरिटी है क्या भाई वो लेने के टाइम पे तो आएगा और लेके चले जाएगा, तो तब तक हम लोग सफर करते हैं। ओके, लेकिन फैजल आपने ऐसा कभी किया है कि भाई बंदा कनेक्ट में आ ही नहीं रहा है, फाइनली आपको बेचना पड़ा है? बेचा हूँ मैंने, बेचा लास्ट ईयर ही बेचा हूँ। ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया का बंदा था, 1 साल से पलाई आ रही नहीं है आ रही नहीं है आ रही नहीं है, तो इन द एंड फिर मेरे को मजबूरी में मेरे को बेचना पड़ा। और फिर मैंने बहुत सारे मैसेजेस डाला, उनकी वाइफ को भी मैसेजेस डाला, रीड होते थे रिप्लाई नहीं देते थे, फिर मैंने वार्निंग दे दे के 3 महीना बाकी, 3 महीने की पलाई बाकी थी, उसके बाद से मैंने मैसेज डालना चालू किया, तो भी मैंने साल भर खींचा, अब दे दो मैसेज रीड हो रहे नहीं। और एक टाइम पे कॉन्टेक्ट किए बीच में, 5,000 रुपया ही खाली डाले, बोले बाकी का मैं और है ना 2-4 दिन में क्लियर करता हूँ, उसके बाद में फिर वो कॉन्टेक्ट में आए नहीं, तो मजबूरी में ऐसा है कि हमारी रोलिंग अटक गई, फीड वाले को हमको भी देना पड़ता है, हर चीज मैं घर पे से नहीं डाल सकता हूँ ना, वो तो सही है। अभी जब इससे इनकम है तो इससे ही मेरे को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अगर मैं घर से डालते रहूंगा तो मेरे को मेरा प्रॉफिट शेयर या जो भी है मेरा ओवरऑल लॉस भी अगर हो रहा है तो वो मेरे को दिख के नहीं आएगा। सही है। तो हम लोगों ने फिर वो डिसीजन लिया पूरे मैं मेरे भाइयों ने मिलकर कि भाई भेज देते, उसमें 20,000 रुपया उल्टा मेरा और नुकसान हो गया पलाई के रेट, लेकिन वो रेट नहीं मिला अच्छा कि बकरे अच्छे तैयार हुए थे सब, तो मैं बोला ना इसलिए क्योंकि बकरे साल भर पालने के बाद में अगर बेचने जाओ ना तो आपको वो रेट नहीं मिला, पालने के बाद आप कभी कमा नहीं पाओगे। नहीं आप आप जंगल में जाओ, जंगल में लोग खरीद लेंगे, यहाँ पर सेट हुआ हुआ बकरा अच्छा तैयार है, चलो डिट्टो मैं बता देता हूँ, सिंग भी वैसी, कलर भी वैसा, हाइट भी उतनी, वजन उससे अच्छा, बकरा यहाँ पर 6 महीने से सेट है, वहां से आप बकरा 1.5 लाख रुपए में खरीदोगे, यहाँ पर लाके 3 महीना सेट करने में लगेगा, रिवर्स फॉरवर्ड होगा, यहाँ पर बकरा सेट है ऑलरेडी, ये है सामने वाला बंदा 90,000 रुपया मांग रहा है आपसे, आपको वो भी ज्यादा लगता है, जंगल में वो पैसा क्यों सस्ता लगता है मेरे को नहीं पता, वो तो आज तक मेरे को भी समझ में नहीं आया। मैं बहुत बार बोलता हूँ फैजल भाई कि लोगों को ना शायद ऐसा है कि जंगल से खरीदा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा है, ऐसा है, मैं बहुत बार बोला हूँ हो सकता है भाई जंगल से खरीदा बस ये बोलने के लिए, आई डोंट थिंक सो, समझ में नहीं आती स्टोरी। खैर माशाल्लाह ये बारे में पूरे मालवा है, मालवा फिजल भाई कितनी हाइट रहेगी केज के इन बिटवीन? ये इसमें कम से कम 1.5 फीट है, 1.5 फीट और केज का साइज? केज का 4x5 है, 4x5 ये इसकी चौड़ाई 4 है और लंबाई 5 है, लंबाई 5 है, और हम लोगों ने रूम नहीं दिया हुआ है क्योंकि इससे ज्यादा भी मैं बना, देखो जब मेरे पास इतनी डिस्टेंस है ना मैं इसको थोड़ा और आगे कर लेता, कर सकते थे वो दीवार के लेवल में कर लेता,
लेकिन फायदा नहीं होता, मैक्सिमम आपको डैमेजेस दिखते हैं। जब बकरे को रूम मिलता था पीछे जाके मारे, जितना उसको स्पेस मिलेगा वो मारे मारे। इसके बीच में भी हम कुछ बकरों के गले में रस्सी देखोगे आप, एक महीना हम लोग रस्सी बांधते हैं, एक महीना बिगर रस्सी के रखते हैं। ओके, क्यों है? क्योंकि चेहरा भी बनना चाहिए। अब रस्सी नहीं बांधेंगे तो चेहरा का गला पट्टी वो कैसा, मोटा गर्दन कैसी बन जाएगी? और कंटिन्यू खुला रखेंगे तो पीछे वो खड़े ऐसा खड़ा रह रहे पीछे कैची मार देगा। ये मेरी लॉजिक है, जहां तक मैंने सीखा हूँ इससे, तो मैंने वो हिसाब से फिर ये डिसीजन लिया, एक महीना रस्सी एक महीना ओपन, तो उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये बहुत अच्छी बात करी ना, ये पता नहीं होता ये चीज लोगों को, बहुत बारीकी है इसमें, आदमी खुद करे ना तो सीख लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए दवाई का जरूर है। बिल्कुल, आप स्टाफ के भरोसे पे काम नहीं कर सकते, वरना आप फेल हो जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप आपके खुद के पैसे लगा रहे हो, बड़ी मेहनत से आपने कमाए हुए पैसे, वो बर्बाद हो जाएंगे, या आप आपके वालिद साहब के पैसे लगा रहे हो तो आप वालिद साहब को नुकसान में डालते हो। माशाल्लाह, अभी देखो इसकी रस्सी निकली हुई है, काटी हुई है, ये एक महीना ऐसा रहेगा, एक महीना खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़े की वजह से पीछे के पैर पे ज्यादा लोड जाता है और कैंची मार रही है। चलिए माशाल्लाह, ये है हमारा वाड़ा नंबर जो है फैसल पे 9-10 एंड 10 है, 10 है माशाल्लाह। और कौन सी नस्ल है इसमें? इसके अंदर ऑलमोस्ट मिक्स है, जो किड्स थे गए साल मेरे यहाँ पर वाड़ा नंबर बाड़े में, वो अभी थोड़ा जवान हो गए, केज में रखने के लायक के हो गए, तो उनको केज में डाले। ओके, अब फिर भी ये इसमें जो है क्या वजन के रहेंगे, मतलब थोड़े छोटे दिख रहे केज? देखो ये 48 केजी के करीब में है, 49 केजी के करीब में है, ये 52 केजी है। ओके, और ये बकरा ये 62 केजी है, तो सब अलग अलग वेट के बकरे हैं। वैसे देखने जाए ना तो फसल पे काफी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है फार्म वालों का, और ये ना रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, रिफंडेबल मतलब रिफंड मिलता ही नहीं है हमारे, रिफंड नहीं मिलता कहाँ भाई? देखो आप कैलकुलेटर ले लो, आप पलाई कर रहे हो, यूसुफ भाई को अच्छे से मालूम रहेगा, जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये डेट इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट, इसका हम लोग पलाई में काउंट होता है नहीं, उल्टा ये केजेस के डैमेजेस होते हैं, हर महीने का मेंटेनेंस होता है, जो बकरे है कोई बकरे प्लाई तोड़ देता है, कोई ये रॉड तोड़ देता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो रिफंड होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा फैसल भाई, कभी ऐसा रहता है हमारा कि बकरा खा रहा है, बकरा अच्छे से खा रहा है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बकरा वेट गेन नहीं कर रहा? होता है ना, तो लेकिन वो कस्टमर समझ नहीं पाते भाई। देखो हर बकरे की एक काटी होती है, मेरी एक अलग काटी है, मैं इतना सा खाना खाऊ तो मेरे को आंख को लग जाता है, अब दूसरा मेरा भाई है उसकी एक काटी, आप देखे दुबला पतला, मैं से 3 गुना ज्यादा खाना खाता है, वो मीठे का शौकीन है, मीठा भी खाता है, मेरे को तो मैं वो भी नहीं खाता, लेकिन मेरा आंख भरा हुआ दिखता है, उसका भरा हुआ नहीं। तो जैसा इंसानों में अलग अलग काटी होती है ना, वैसे बकरों में भी होती है। देखो कुछ नहीं होते गेनिंग पे नहीं आते तो सप्लीमेंट चालू करना जरूरी होता है, सप्लीमेंट से पहले आपको डीवॉर्मिंग करना जरूरी है, अगर आपने डीवॉर्मिंग भी की है और उसके बाद में भी आपने पूरा प्रोसीजर कर चुके और उसके बाद में भी गेनिंग पे नहीं आ रहा तो फिर आपको सप्लीमेंट पे डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे सप्लीमेंट है, देखो कोई भी एक सप्लीमेंट का नाम ले लूंगा तो बहुत सारे कंपनी को बुरा लगता है, अगर किसी को जानना है तो पर्सनली कॉन्टेक्ट करे, मैं सप्लीमेंट का नाम भी बता दूंगा। कस्टमर को ऐसा सजेस्ट करें कि जैसे कि आपने एक बकरा 4-5 महीने रख लिया, रिजल्ट उसमें आपको ही पहले पता चल रहा है कि रिजल्ट बकरे नहीं दे रहा है, कस्टमर को ऐसा सजेशन दिया कि आप बकरा बदल लो, पूरा साल इसको मत रखो? देखो बहुत सारे बकरे होते हैं, मेरे पास है कुछ बकरे, अभी रिसेंटली मैंने 2 महीना पहले कस्टमर को बोला हूँ और उन्होंने घर पे लेके जाके अकीका करना था तो उन्होंने अकीका कर लिया। तो कुछ बकरे होते हैं जो आपने ना सप्लीमेंट भी पिलाया, आपने हर चीज कराया और उसके बाद में भी गेनिंग पे नहीं आया, तो लाजिम उसको जगह चेंज की जरूरत है, जगह चेंज की जरूरत हो सकता है। देखो कुछ बकरे मेरे पास है कि 6-6 महीना कोई फार्म पे वो गेनिंग पे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे फार्म पे आके वो गेनिंग पे आते, कुछ बकरे मेरे पास से भी गए हैं और मैं सजेशन दिया हूँ कि बस दूसरी जगह रखो, जगह चेंज करके देखो, अगर बड़ा तो ठीक है 1-2 महीना रखो वहां पर भी, दूसरी जगह पे भी, मैं सजेस्ट नहीं करता, आपकी मर्जी, कोई भी फार्म पे इंशाल्लाह बढ़े, और जब बढ़ेगा तो आप ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो आप उसको यूज में ले लो, आप उस पे कुर्बानी कर दो, आपको अकीका करना है मतलब अकीका कर दो, या आपको मदरसे में देना तो मदरसे में दे दो, फ्यूचर में आप पैसे
बर्बाद मत करो, और तीन महीने में बकरा अपना फ्यूचर बता देता है भाई मैक्सिमम। सुबह हम लोग क्या तुक्का करते हैं, अपने फार्म में ही जगह चेंज करते हैं। वो तो वो फैसल भाई भी मैंने सुना है उनके बहुत सारे वीडियो में कि यहाँ पर खुले में नहीं चल रहा था तो केज में डाल दिया, केज में नहीं चल रहा था तो खुले में डाल दिया, वो जगह फार्म में चेंज होती रहती है। लेकिन फार्म वाला क्या है कि एक फिर एक लिमिट आ जाती है कि तब उसको बोलना पड़ता है कि भाई नहीं चल रहा है ना पूरा साल उसने। एक बकरा है 2 किलो खाकर 1 किलो वेट बना रहा है, और दूसरा बकरा है 2 किलो खाकर 6-6 किलो दे रहा है, 4-4 किलो दे रहा है, 5-5 किलो दे रहा है, तो वो बकरे बकरे के ऊपर है, कोई बढ़ता है कोई नहीं भी बढ़ता है। हमारे हाथ में होता तो हर बकरे 100 किलो प्लस तो होते ही होते। अगर फार्म वाला, हर फार्म वाला चाहेगा, हर फार्म वाला चाहेगा, चाहे मैं हूँ, यूसुफ भाई हो या कोई भी फार्म वाला, वो तो ये चाहेगा कि उसके फार्म से ना, अगर उसके फार्म पे 100 बकरे हैं तो 100 के 100 बकरे 100 प्लस जाए, नहीं हो सकता। फार्म वाले के हाथ में नहीं, फार्म वाला अपना काम करता है, फार्म वाला खिलाता है। जैसा यूसुफ भाई बताए कि हम लोग करते हैं, जगह चेंज करते हैं, कुछ बकरा ये केज में नहीं बन रहा, जैसा ये बकरा है, ये बकरा पहले ओपन बाड़े में था, ओपन बाड़े से आया एक रिदम में हम लोगों ने केज में डाले, ये लास्ट केज में डाले, लास्ट केज में थोड़ा बहुत बढ़ा है, अब वो बढ़ा रहा नहीं है जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ा रहा, आधा एक केजी भी स्टॉप हो जा रहा है। अब उसको हम लोगों ने ना विंडो सीट दी है, अब ये इसके अंदर 1 महीने में देखते हैं क्या बढ़ा रहा है, उसके साथ में हम लोगों ने सप्लीमेंट भी चालू किया। अगर उसके अंदर वो बढ़ा दिए तो वेल इनफ, नहीं बढ़ा है तो ऑलरेडी फिर कस्टमर के पास अपडेट है, मेरी तो हर महीने जाती है वजन की वीडियो, और हर महीने हम लोगों का कस्टमर के साथ में डिस्कशन होता है कि अब नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, हाँ सप्लीमेंट चालू तो मैं लिख के पहले ही डाल देता हूँ। चलिए ठीक है फैजल भाई, ये काफी एक हमारा आधा घंटा हो गया, हम जो यहाँ स्टॉप करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।